अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और एडसॉर्प्शन की पूरी प्लेलिस्ट आपने जब चेक कर ली है, उसके बाद उसके पैरामीटर्स स्टडी कर ली हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल वर्क एक्सेल शीट कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है डेट इज़ द थीसिस राइटिंग। और थीसिस कैसे लिखा जाए, एडसॉर्प्शन से मुतलिक, फोटो लाइटिक डिग्रेडेशन के मुतलिक या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन से मुतलिक। आज की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे, थीसिस की आउटलाइन चेक करेंगे और उन आउटलाइन में जो सब टॉपिक्स हैं उनको कैसे कवर करना है, कैसे उनको मेंशन करना है, कैसे लिखना है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, हम उनको डिटेल्ड डिस्कशन उनकी करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने वो प्लेलिस्ट का चेक नहीं की एड्सॉर्प्शन की, तो आई रिकमेंड कि आप वो प्लेलिस्ट चेक कर लें। अगर आपका एड्सॉर्प्शन पे काम है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन, आइदर इट इज़ अ डाई मोलिक्यूल और अ मेटल लाइन, और आपको उसका रिसर्च वर्क करने में मुश्किल आ रही है, या एक्सेल शीट आपको बनानी नहीं आ रही, या आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है आ रहे आइसोथर्म्स के, काइनेटिक्स के या थर्मोडाइनेमिक स्टडी के, तो उसका मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा, ताकि आपका एडसॉर्प्शन का रिसर्च वर्क, लैब वर्क और एक्सेल शीट का वर्क कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो टॉपिक आता है पॉइंट, डेट इज़ अ थीसिस राइटिंग। आइदर आप बीएस के स्टूडेंट हो और एमफिल स्टूडेंट, आपको थीसिस राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स लाजमी इंक्लूड करने होते हैं। हर थीसिस में वो इंक्लूड होते हैं, वो मेन मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कैसे आप उनको कवर कर सकते हो, उनमें कौन सी चीज़ें आती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर। तो आपके सामने आउटलाइन ऑफ थीसिस ओपन है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन का है। आपके सामने ये नंबरिंग शो हो रही है, ये चैप्टर वाइज है, यानी कि जो नंबर वन है डेट इज़ द फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन का है, नंबर टू चैप्टर टू है जो कि सेपरेशन का है, नंबर थ्री पे थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन, नंबर फोर चैप्टर रिव्यू, नंबर फाइव पे ये भी चैप्टर है जो कि एक्सपेरिमेंटल वर्क का है, नंबर सिक्स चैप्टर रिजल्ट का है, सेवन चैप्टर कंक्लूजन का है और एट्थ चैप्टर मतलब रेफरेंसेस का है। उसके बाद आपकी अगर कोई नाइन चैप्टर पे आती है पब्लिकेशन, जो आपकी पब्लिकेशन होते हैं, यहाँ पे रेफरेंसेस आप लिख लीजिएगा। तो कंक्लूजन के बाद आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं, उसके बाद आपने अपनी पब्लिकेशन जो है, अगर उस थीसिस से मुतल्लिक आपकी कोई पब्लिकेशन हो चुकी है तो वो आपने लगा देनी है साथ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर होता है, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं। सबसे पहले जिस भी टॉपिक से मुतलिक आपका थीसिस है, आपकी रिसर्च जिस टॉपिक से मुतलिक है, आपने उसके सोर्सेज और टॉक्सिसिटी या उसका इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी जो भी लिटरेचर में आपको डाटा मिल रहा है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए आपने वो इंट्रोडक्शन में लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डाई पे काम कर रहे हो, डाई एडसॉर्प्शन पे काम कर रहे हो या डाई की डिग्रेडेशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डाई को मेंशन करेंगे, डाई क्या हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं उनकी, उसके अलावा टाइप्स के बाद उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, वो कहाँ से आते हैं डाइज, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में डाइज यूज़ हो रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट के साथ उनके बेनिफिशियल यूज़ेस क्या क्या हैं, वो भी आप मेंशन करेंगे थीसिस में। उसके बाद टॉक्सिसिटीज़ के बाद आप उन जो आपका सिलेक्टेड डाई होगा, सिलेक्टेड मेटल लाइन होगी जिस पे आप वर्क कर रहे हो, आप उसकी डिटेल ऐड करोगे, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका जो भी सिनोनिम है, उसका IUPAC नेम है अगर कोई, आप उसको मेंशन करेंगे, उसकी pH ऑप्टिमम, उसकी लैम्डा मैक्स, उसकी सारी डिटेल आप ऐड करोगे जो आपका सिलेक्टेड एडसॉर्बेंट होगा। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का है जिसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड करोगे। इसमें आप अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हो तो आप वाटर की इम्पोर्टेंस भी ऐड कर सकते हो, आप स्टार्ट ही वाटर की इम्पोर्टेंस से कर सकते हो कि वाटर क्यों ज़रूरी है और वो पोल्यूट हो रहा है डे बाय डे क्यों हो रहा है, उसकी रीजंस में एक डाइज आ जाते हैं, फिर आप डाइज को डिफाइन करना स्टार्ट करते हो। तो कहने का मकसद ये है कि आप अभी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये मेन पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो कि एडसॉर्प्शन में होते हैं, सॉरी थीसिस में इंक्लूड होते हैं। इसी अगली वीडियो में इसके थीसिस राइटिंग के अगला जो पार्ट होगा उस वीडियो में मैं आपके साथ थीसिस शेयर करूंगी, जिसमें मैं हर पॉइंट को आपके सामने रखूंगी कि वो कैसे राइटअप किया गया है और उसको कैसे और उनमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं या उस थीसिस को कैसे लिखा गया है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वन टू ऑल,
ए टू जी पेज तक मैं आपके साथ पूरा थीसिस शेयर करूंगी, जिसमें आपके साथ कोलैबोरेशन की जाएगी, आपको थोड़ी सारी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाएगी कि आपने ये सारे पॉइंट्स कैसे मेंशन करने हैं, कैसे लिखने हैं। तो दूसरा चैप्टर जो आपका है वो सेपरेशन एंड प्री कंसंट्रेशन टेक्निक्स हैं। इसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स मेंशन करेंगे, लिखेंगे उनकी डिटेल। फॉर एग्जांपल, अगर आप एड्सॉर्प्शन पे काम कर रहे हो तो आपने एड्सॉर्प्शन के अलावा बाकी जितनी टेक्निक्स हैं, जिसमें एडवांस ऑक्सीडेशन मेथड आ जाते हैं, जिसमें फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन है, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन है, बायोलॉजिकल मेथड है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है, उसके अलावा फिल्ट्रेशन है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जिसे कहा जाता है, कोएगुलेशन है, फ्लोकुलेशन है, इस तरह के आयन एक्सचेंज मेथड हैं, जितनी भी टेक्निक्स पहले यूज़ हो चुकी हैं या हो रही हैं आपके सिलेक्टेड टेक्निक के अलावा, आप उन सब को मेंशन करेंगे कि ये टेक्निक यूज़ होती है, इस टेक्निक को यूज़ करके ये डाइज, ये मेटल लाइंस रिमूव किए जा चुके हैं, इस टेक्निक का प्रिंसिपल, मेन वर्किंग प्रिंसिपल ये है, इस प्रिंसिपल पर ये टेक्निक काम करती है, इस टेक्निक की वजह से इतने रिजल्ट परसेंटेजेस आ चुकी हैं, ये रिजल्ट, इस टेक्निक के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें आप हर टेक्निक के अंदर मेंशन लाजमी करेंगे। जब आप और सेपरेशन एंड प्री कंसंट्रेशन टेक्निक्स लिख लो, आपने कम से कम 5 या 6 टेक्निक्स लाजमी मेंशन करनी है और उनको डिटेल्ड आपने ओवरव्यू देना है उनका, जिसमें उनको समराइज करके लिखना है कि वो टेक्निक क्या है, क्यों यूज़ की जाती है, कब से वो टेक्निक यूज़ हो रही है, कौन से डाइज, कौन से मेटल आयंस रिमूव हो चुके हैं उसकी मदद से, उसकी लिमिटेशंस और उसके जो यूजेस हैं या उसके एडवांटेज आपने लाजमी मेंशन करने हैं। सेकंड चैप्टर आपका यानी कि ये कन्वेंशनल टेक्निक से मुतल्लिक होगा, डाइज रिमूवल की या मेटल आयंस रिमूवल की, कन्वेंशनल टेक्निक्स भी इसे कहा जाता है, ये सेपरेशन एंड प्री कंसंट्रेशन टेक्निक्स भी आप इसे कह सकते हैं। तीसरे चैप्टर में आप थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन तीसरा पूरा चैप्टर जो आपका एड्सॉर्प्शन का टॉपिक है, जो कि आपका मेन थीसिस का पार्ट भी है, एड्सॉर्प्शन की थ्योरी, आप उसको सारी डिटेल प्रोवाइड करोगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हो तो तीसरा चैप्टर आपका फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन पे होगा, अगर फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन कर रहे हो तो तीसरा चैप्टर आपका इसका होगा, यानी कि जो आपके थीसिस या आपके रिसर्च वर्क का मेन पर्पस है, मेन प्रोसेस है, आप उसको थर्ड चैप्टर में ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे। ठीक हो गया। तो एड्सॉर्प्शन की थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले इसमें आ जाता है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, आपने एड्सॉर्प्शन का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताना है, यानी कि आपने बताना है कि एड्सॉर्प्शन का थोड़ी बहुत हिस्ट्री बतानी है, कब से यूज़ हो रही है एड्सॉर्प्शन को, सबसे पहले किसने स्टडी किया, उसकी हिस्ट्री आप बताएंगे, वो हिस्ट्री में आपके साथ इंशाल्लाह ताला आने वाली अगली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करूँगी। हर पॉइंट, हर चैप्टर पे मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, पार्ट्स की शक्ल में एक पूरी प्लेलिस्ट होगी, तो इसलिए कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और उनको भी इस चैनल से फ़ायदा पहुँचे। तो आपने क्या करना है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिखना है, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बतानी है, यहाँ पे उसके बाद एड्सॉर्प्शन को डिफ़ाइन करना है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या है और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आपने मेंशन करनी है यहाँ पे, फिज़िकल एड्सॉर्प्शन है, केमिकल एड्सॉर्प्शन है, फिर आप सरफेस कवरेज भी मेंशन करेंगे, सरफेस कवरेज क्या होती है उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है कि जनरल मैकेनिज्म एड्सॉर्प्शन का क्या होता है, कहाँ पे एड्सॉर्प्शन होती है या नहीं होती, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पे एड्सॉर्प्शन होनी है, इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, कौन सी चीज़ें हैं जो हम फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन को, पीएच है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें उनकी डिटेल आपने बतानी है, थर्मोडाइनमिक्स आपने बतानी है जो कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने इसमें गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी का बताना होता है, डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, इन सब चीज़ों की फार्मूलाज भी बताने होते हैं, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रिया यानी कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स आपने डिस्कस करनी है, काइनेटिक्स डिस्कस करनी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी आपने एड्सॉर्प्शन की इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, और राउंड अबाउट ये 15 to 20 पेजेस का आपका ये थर्ड चैप्टर थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन का होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये सारा टॉपिक थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन का, ये एड्सॉर्प्शन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें एड्सॉर्प्शन की वीडियो में मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल, एड्सॉर्प्शन क्या है, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन सी हैं एड्सॉर्प्शन की, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं,
एडसॉर्प्शन ऑफ डाइज की जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, उसकी आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो है एडसॉर्प्शन से मुतलिक, उसमें हम इसको थोरोली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप उस वीडियो को लाजमी देख लें, बल्कि उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। अगर आप वो प्लेलिस्ट पूरी चेक कर चुके हो तो आपको थीसिस राइटअप करना बहुत आसान होगा एडसॉर्प्शन से मुतलिक। अगर आपने वो प्लेलिस्ट चेक नहीं की या उसके पैरामीटर्स को वहाँ रीजंस के साथ आप जो मैंने जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की अगर आपने वो नहीं सुने तो आपको थीसिस में बहुत मुश्किल आने वाली है। मैं यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कर दूँ, ठीक हो गया? तो थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन आपका थर्ड चैप्टर होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा सारी प्लेलिस्ट। और उसके बाद जो चौथा चैप्टर है आपका, वो रिव्यू ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर है, या जिसे लिटरेचर रिव्यू भी कहा जाता है। लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या करना होता है कि डिफरेंट पेपर्स लेने हैं अपने टॉपिक से मुतलिक, अपने डाई से मुतलिक, अपने प्रोसेस जो आप स्टडी कर रहे हो, एडसॉर्प्शन है, फोटोलाइटिक है या फोटोकैटालिटिक है, उस पर आपने पेपर्स निकालने हैं। और उसके बाद आपने उन पेपर्स को स्टडी करना है और उनका जो मेन कंक्लूजन है, मेन वर्क है, आपने उसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिटरेचर में लिखना होता है। लिटरेचर रिव्यू लिखने की जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैं एक वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। उन टिप्स को आप फॉलो करके लिटरेचर रिव्यू ऑलमोस्ट आप अगर आप 40 to 45 पेपर्स का लिटरेचर आप लिखना चाह रहे हो तो आप राउंड अबाउट 1 या 2 डेज में लिटरेचर रिव्यू ईजिली लिख सकते हो, बल्कि एक दिन में ही लिख सकते हो अगर आप उन टिप्स को फॉलो कर लोगे तो, ठीक हो गया? तो जस्ट आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, आपने इसको फॉलो करना है और आपका लिटरेचर रिव्यू वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नई अपडेट मिलती रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकियों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और लिटरेचर रिव्यू के मुतलिक मैं मज़ीद इनकी जो टिप्स वाली वीडियोज़ हैं वो मैं मज़ीद अपलोड कर दूँगी, जल्द अज जल्द कर दूँगी। और आपको आने वाली जो इसके अगले पार्ट्स हैं उनमें इसकी कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगी। फॉर फिफ्थ चैप्टर में आपने एक्सपेरिमेंटल वर्क मेथड्स और मटेरियल जो आपने जो भी अपरेटस यूज़ किया है, जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करना है आपने, वो सारा कुछ मेंशन करना होता है। एक्स एक्स यहाँ पर लिखा है, अब एक्स एक्स क्या लिखा है वो मैं जब आपके साथ थीसिस शेयर करूँगी तो आपको मैं बता दूँगी कि यहाँ पर आपने कौन सी टेक्निक्स, कौन से अपरेटस, कौन सा एक्सपेरिमेंटल वर्क यहाँ पे मेंशन करना है। छठे चैप्टर में आपने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन करनी होती है, जो पैरामीटर्स आपने स्टडी किए हैं या जो आपने उनकी FTIR करवाई है, SEM करवाई है, XRD करवाई है या TEM करवाई है, जो भी टेक्निक आपने यूज़ किया, जो आपने उनके करेक्टराइजेशन करवाने के लिए टेक्निक्स यूज़ की हैं, आपने उनको ब्रीफली डिस्कस करने होते हैं, उनके रिज़ल्ट और जो पैरामीटर स्टडी किए हैं, जो डीज ऑप्शन किया है, रीजनरेशन किया है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट में। उसके बाद 7 चैप्टर आपका कंक्लूजन का होता है, और मैकेनिज्म भी ये रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट में ही आता है, वो इसी का एक माइनर सा टॉपिक है। 7 चैप्टर पर आपके कंक्लूजन्स आ जाते हैं, आपने सारे थीसिस को ब्रीफली समराइज करके लिखना होता है कंक्लूजन में। कंक्लूजन के बाद यहाँ पे जो उसका आपका अगला मेन हेडिंग आती है, डेट इज़ रेफरेंसेस, आप यहाँ पे उसको ऐड कर लें। आपके 8th नंबर पे आपके आते हैं जी रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसेस आपने ऐड करने होते हैं। रेफरेंसेस ऐड करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनुअल एडिंग ऑफ रेफरेंसेस, और सेकेंड वन इज़ थ्रू एनी सॉफ्टवेयर जिसमें EndNote और Mendeley आ जाता है। तो मैनुअली अगर आप रेफरेंसेस ऐड करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इरिटेटिंग है, बिकॉज़ आपको हर रेफरेंस गूगल स्कॉलर से जब आप ऐड करते हो तो आपको उसकी अगेन सेटिंग वेटिंग करनी पड़ती है, उसको दोबारा से, उसका कोई ईयर बोल्ड नहीं है या ईयर स्टार्ट में लिखा है, एंड पे लिखना है, उसके राइटर्स या ऑथर नेम सीक्वेंस से नहीं है, उसको मेंशन करना होता है, उसको सेट वेट करना होता है या नंबरिंग सेट करनी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग स्टेप होता है जब आप मैनुअली ऐड करते हो रेफरेंसेस। द बेस्ट वे ऑफ एडिंग रेफरेंसेस इन एनी थीसिस और रिसर्च पेपर इज थ्रू एनी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल EndNote। EndNote अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आई रिकमेंड कि आप EndNote इंस्टॉल लाजमी कर लें। EndNote इंस्टॉल करके आप उसके ज़रिए रेफरेंसेज ऐड करें, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये बेस्ट रेफरेंस सॉफ्टवेयर होता है। और EndNote कैसे इंस्टॉल करना है, EndNote भी इंस्टॉल करने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका आता है कि जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेफरेंस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आप 30 डेज़ का ट्रायल मिलता है, उसके बाद आपका EndNote एक्सपायर हो जाता है। दूसरा तरीका वो होता है जिसमें आप फ्री और लाइफ टाइम के लिए EndNote यूज़ कर सकते हो,
आपको परचेज नहीं करना पड़ता, आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, और आप फ्रीली उसको यूज़ कर सकते हो। और वो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया, उनकी तरफ से उनकी वेबसाइट है, उससे आप फ्री इंस्टॉल कर सकते हो एंड नोट। उस वेबसाइट से कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कौन सा बेस्ट मेथड है इसका, इसको डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। काइंडली आप एंड नोट को फ्री इंस्टॉल कीजिएगा, 30 डेज़ वाला ट्रायल इंस्टॉल ना कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका 1 मंथ के बाद वो सारा एंड नोट एक्सपायर हो जाएगा। वो जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें हाफ मेथड यानी कि इंस्टॉल करने का बताया, उसके बाद एक्टिवेट करने का नहीं बताया गया। एक्टिवेट आपने जस्ट ऐसे ही करना है कि जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपने उसको ओपन करना है, वहाँ पे वो कोई पासवर्ड और आपका यूज़र नेम मांगेगा, आपका नेम पूछेगा, ठीक हो गया। आपने अपना वहाँ नेम मेंशन करना है, जो आपका ओरिजिनल नेम है आप उसको एज इट इज़ ऐड कर सकते हो। यूज़र नेम में आपकी वो मेल आईडी पूछेगा, आपने अपनी मेल आईडी लिख देनी है, और पासवर्ड जो पूछेगा या स्टूडेंट नंबर जिसे कहा जाता है, वहाँ पे स्टूडेंट नंबर लिखा होगा, तो स्टूडेंट नंबर के आगे ना उन्होंने कुछ ऐसा लिखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट नंबर, वहाँ पर ऊपर लिखा होगा, वहाँ पर होगा AE4683211, इस तरह करके ना नंबर लिखा होगा स्टूडेंट नंबर। तो आपने क्या करना है, ये नंबर अगर फ़र्ज करो वहाँ पे लिखा है ना, तो आपने इसी को मॉडिफाई करके लिख देना है। भला कैसे, आपने AE है शुरू वाला, आप इसको BC कर लो, 4-6 है इसको 3-6 कर लो, 4-2-1 इस तरह करके इसी को मॉडिफाई करके आपने लिख देना है, क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया के स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन आपको एंड नोट तो इंस्टॉल करना ही है। तो आप ये नंबर पुट करके रैंडमली उसको फ्री इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पब्लिकेशंस लिखनी है अपने पेपर की, जो आपके पेपर की पब्लिकेशंस होंगी, अगर आपका वो वर्क कंप्लीट हो चुका है, पेपर कहीं पब्लिश्ड है, तो एट द एंड ऑफ थीसिस आप उसको मेंशन भी कर सकते हो और उसको पेपर को लगा भी सकते हो। तो ये सारी पॉइंट्स आपने अपने थीसिस में ऐड करने होते हैं, डेट इज़ द बेसिक आउटलाइन ऑफ थीसिस। आने वाली अगली वीडियोस में मैं आपके साथ अपना पर्सनल थीसिस आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत 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 कम लोग करते हैं अपना थीसिस शेयर, लेकिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे, आपको समझ आए कि थीसिस कैसे राइटअप करना है, कैसे लिखना है, क्या चीज़ें होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।